गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्किन। इट मींस एल्किन जो कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे तो एल्किन के ऊपर आपके पास दो पोजीशन होगी। एंड कौन से पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच रहेगा ये हमें आज पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्किन। देखिए, ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल को मैंने बॉक्स में रखा है, येलो बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल एल्किन, जो फ्री एल्किन रहता है। फ्री एल्किन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ पे दे रखा है HBr, HBr से आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन एंड Br नेगेटिव आयन। तो पहले H प्लस आयन जो आपको रिलीज होता है, इस H प्लस आयन को एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल एल्किन इस इलेक्ट्रोफाइल E प्लस यानी H प्लस को कैच करेगा। अब कौन से पोजिशन पर कैच करेगा, देखिए यहाँ पे दो पोजिशन हो सकते हैं, मैं नाम देता हूँ। दिस वन इज पोजिशन ए स्मॉल ए एंड दिस वन इज पोजिशन स्मॉल बी। ओके, हाईलाइट कर लेते हैं इसे ग्रीन से। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। अगर ए के ऊपर एच प्लस एड होता है तो बी पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी प्राइमरी कैप कैटायन बनेगा। तो ये ए रूट था आपका, दिस वन इज रूट ए। ए के ऊपर एच प्लस एड हुआ, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पे एड हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा आपका, दिस एंड के ऊपर। तो ये बन गया आपका प्राइमरी कैप कैटायन, जो कि क्या है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बनेगा, इसे मारिए क्रॉस। अब सेकंड आपके पास जो रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, वो है अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से अटैक करे कि न्यूक्लियोफाइल बी पोजीशन पे एच प्लस को ऐड करे। ये आपका बी पोजीशन जो था यहाँ पे, इसने एच प्लस को ऐड किया, देखिए यहाँ पे दिस वन इज एच प्लस को। इससे क्या हुआ, ए पोजीशन यानी कि ए पोजीशन पे आपके पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। इससे ओवरऑल आपके पास क्या बना, सेकेंडरी कार्ब कैटायन। सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्ब कैटायन, इसलिए अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या बना, HBr से Br नेगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा सेकेंडरी सेंटर के ऊपर, और आपके पास क्या मिलेगा, 2-bromo एल्केन आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज, अगर मैं इसे 1 नाम दूं तो ये 2 होगा, ये रहेगा 2-bromo एल्केन। ओके, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट करके लिखा है, ये आपका मेजर रहेगा, ये आपका नहीं बनेगा। इस टाइप से हम एल्किन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन की रेडियो सेलेक्टिविटी को बता सकते हैं। इसी टाइप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका डायबोरिन से रिलेटेड। बोरिन से रिलेटेड देखिए, दिस वन इज एल्किन है जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, ये आपका एल्किन है। इसके ऊपर भी दो पोजिशन है, मैं नाम दे देता हूँ टर्मिनल से, दिस 1 नंबर दिस 2 नंबर। एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल किस टाइप से करेगा, फ्री एल्किन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो आपका BH3 होता है नॉर्मल बोरिन, ये क्या रहता है, ये आपका लेविस एसिड की तरह काम करता है। लेविस एसिड की तरह काम करता है मींस ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो डेफिनेटली पहले कंडीशन में क्या होगा, मैं इसे जहां पे लेके आपको बताता हूं। जनरली जब आपके पास कोई बोरिन सिस्टम दे रखा तो पहले स्टेशन में आपके पास रहता है सिन एडिशन का कंसेप्ट रहता है, सिन एडिशन कंसेप्ट रहता है डबल बॉन्ड पे। लाइक ये आपके पास BH3 है, इस डबल बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक किया। डबल बॉन्ड की दो पोजीशन थी, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। टर्मिनल पोजीशन से अटैक करेगा क्योंकि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है और सेकेंडरी कैप कैटायन बनेगा आपके पास। तो आपके पास समथिंग इस टाइप से बनेगा R, यहाँ पे आपके पास B, 3 यहाँ पे H देखने को मिलेंगे। अटैक करने के कारण बोरेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और जो 1 एंड 2 नंबर पोजिशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब नेगेटिव चार्ज बोरेन के ऊपर है तो बोरेन से कोई एक हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में सेकेंड नंबर पोजिशन के ऊपर आके अटैक करता है और बोरेन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिला लाइक दिस वन, आपके पास ये है बी एच एच एंड ये है आपके पास एच जो अटैक किया। तो ये हो गया आपका बोरेन का सिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड, ये क्या था, सिन एडिशन। ये तो हुआ आपका फर्स्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पे यहीं दे रखा है, ये पहला कंसेप्ट जो आपको दे रखा है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको ए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से आपके पास बी मिल गया सिन एडिशन के थ्रू। यहाँ पे आपके पास नंबर
अगर मैं दू, ये वन नंबर कार्बन, ये टू नंबर कार्बन। अब सेकंड आपके पास यहाँ पे वापस से क्या दे रखा है, एल्कीन दे रखा है, क्योंकि बोरेन के ऊपर दो हाइड्रोजन है इसलिए अभी दो एल्कीन इससे और बाइंड अप हो सकते हैं, यानी ओवरऑल एक बोरेन के साथ तीन एल्कीन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा थ्री एल्कीन, ये आपका सी इंटरमीडिएट आपको मिल गया। अब बोरेन के ऊपर हम किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाएंगे लाइक H2O2+NaOH। अब H2O2+NaOH लेने से होता क्या है, जनरली जहाँ पे मैंने मैकनी भी आपको लिख रहा था, आपका होता है H2O2 क्या होता है, दिस वन इज पर एसिड, NaOH से आपको मिलेगा OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को एफटेक करेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आएगा, तो ये दिस वन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका बोरेन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे मैंने इसका मैकनी में लिख रखा है। यहाँ पे देखिए ये आपके पास आ गया गुड न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल बोरेन के ऊपर यानी Br3' के ऊपर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे आपका रिएक्ट करने के कारण बोरेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखिएगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बोरेन से एक एल्कील डिटेच होके इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये OH ग्रुप पूरा का पूरा गेट एलिमिनेट, ठीक, यानी कि मेरे पास आ गया OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव वापस से बोरेन यानी Br2' Or' के ऊपर अटैक करेगा, इससे क्या होगा, आपका जो बोरेन के साथ अटैच्ड R'O ग्रुप है वो पूरा का पूरा डिटेच हो जाएगा। ओके, दिस वन गेट डिटेच, ये पूरा डिटेच हो गया, डिटेच होने से क्या हुआ, R'O मिला, जिसका प्रोटोनेशन होने के बाद लाइक NaOH है या कोई अदर मॉलिक्यूल है, उससे प्रोटोनेशन होने के बाद आपके पास मिलेगा R'OH, यानी कि एल्कोहल टाइप प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी टाइप से इस बोरेन R2'BOH से दो और अदर प्रोडक्ट 2R'OH आपके पास रिलीज होंगे। ये था आपका बोरेन का एल्कीन के ऊपर अटैक एंड उसकी रेडियो सेलेक्टिविटी, कि एल्कीन का पहले सिन एडिशन, जो बोरेन है वो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर रहता है, फिर आप उसका न्यूक्लियोफाइल लाइक H2O2NaOH से रिएक्शन करा के प्रोटोनेशन लास्ट स्टेप में कर देंगे तो आपके पास एल्कोहल मिलेगा। चलिए इससे ही रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो देख लेते हैं। दिस वन है हमारे, हमने यहाँ पे कंसेप्ट भी राइट डाउन किया है कि जनरली जो आपके पास BH3 है इज अनस्टेबल एंड मेड इन रिएक्शन बाय लाइक अ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ लेविस एसिड लाइक BF3OET2। तो आपके पास क्या मिलेगा, मोनोमर बोरेन के रूप में मिलेगा। जनरली जो मोनोमर बोरेन है, मोनोबोरेन है, वो सिंगल रूप से एग्जिस्ट नहीं करते या डायमर के रूप में एग्जिस्ट करते, इसलिए इन सीटू यानी कि रिएक्शन के अंदर ही बोरेन बनाना पड़ता है। ओके, NaBH4 एंड BF3 के रिएक्शन से आपके पास BH3 मिलेगा, BF3 के रिएक्शन से BH3 मिलेगा। तो लाइक हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, आपके पास ये बोरेन है, दिस वन इज बोरेन, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ टर्मिनल का वन, ये सेकंड नंबर पोजीशन, एरो के ऊपर आपको कंडीशन दे रखी है NaBH4 एंड BF3OET लेविस एसिड, इन दोनों से मिलकर मेरे पास क्या बन जाएगा, BH3 बोरेन बनेगा, फिर बोरेन का एल्कीन के ऊपर सिन एडिशन करवा दीजिए और फिर तीन एल्कीन का एक बोरेन के ऊपर सिन एडिशन हो सकता है, तो आपको इंटरमीडिएट बन गया ये ए। ओके, सिन एडिशन कंसेप्ट से, सिन एडिशन कंसेप्ट से आपके पास ये बना, फिर आप इसका न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा दीजिए लाइक H2O2NaOH और लास्ट स्टेप प्रोटोनेशन, तो आपके पास जो ये चैन है इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच रहेगा। यहाँ पे अगर नंबर दो 1, 2, 3, 4, 5, दिस वन इज 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 6 नंबर पे OH ग्रुप आपका अटैच है, ये आपका रहा प्रोडक्ट। ओके, तो ये ओवरऑल जो हमारा लेक्चर था ये था आपका रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन यानी एल्कीन इन इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एल्कीन के ऊपर कैसे एडिशन होता है, इसके बारे में हमने रेडियो सेलेक्टिविटी देखी और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने
बोरेन का एल्किन के ऊपर एडिशन रिएक्शन एंड देन न्यूक्लियोफाइल का अब बोरेन के ऊपर रिएक्शन स्टडी किया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे रेडियो सेलेक्टिविटी इन रेडिकल रिएक्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।